36 साल पहले जब टीवी पर दिखे थे शाहरुख खान, पहचान नहीं पाएंगे आप, नहीं देखा होगा किंग खान का ऐसा अंदाज। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी है। हर कोई किंग खान के खास अंदाज का दीवाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक टीवी सीरियल से की थी। किंग खान के करियर के पहले सीरियल का नाम भी दिल दरिया था, जो दूरदर्शन पर आता था। 36 साल पहले आए इस सीरियल से कुछ क्लिप्स इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दिल दरिया सीरियल के क्लिप्स में यंग शाहरुख खान को देखकर दर्शक एक बार फिर उन पर अपना दिल हार बैठे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले शाहरुख खान ने एक्टिंग करियर की शुरुआत सीरियल से ही की थी। आज से 36 साल पहले यंग शाहरुख खान के चार्मिंग लुक्स के सामने फैंस एक बार फिर अपना दिल हार रहे हैं। लुक्स के साथ साथ यूजर्स उनके बालों की भी तारीफ कर रहे हैं। महिलाएं खासतौर पर किंग खान के लुक्स और रोमांटिक अंदाज पर फिदा रहती हैं और दिल दरिया में यंग शाहरुख को देखकर उनकी धड़कन और बढ़ गई हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने 1988 में टीवी पर डेब्यू किया था। दिल दरिया शाहरुख के एक्टिंग करियर का पहला सीरियल था जिसे उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद आगे चलकर भी उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया था। 1992 में फिल्म दीवाना से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए शाहरुख की गिनती इस वक्त सबसे फेमस और सफल अभिनेताओं में से एक होती है। बीते साल उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें पठान, जवान, डंकी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुई हैं। अब हम सभी शाहरुख की अपकमिंग फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। जवान के बाद शाहरुख एक बार फिर एटली कुमार की फिल्म लॉयन में नजर आएंगे। शाहरुख की और भी कई अपकमिंग फिल्में हैं, हम सभी इंतजार करेंगे शाहरुख की अपकमिंग फिल्म का, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी भी फिल्में उन्होंने अभी तक दी हैं उसके बाद से ऑडियंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि शाहरुख अपनी कौन सी नई मूवी अब उनके सामने लेकर आएंगे। और इसी बीच उनकी कई फिल्मों के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, तो एक्साइटमेंट फैंस के अंदर है। खैर दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।